दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के वीडियो संदेश जारी होते ही सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुनीता केजरीवाल की तुलना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी से की है। उन्होंने ये कहकर निशाना साधा है कि ऐसा लग रहा है वो अपने पति का पद संभालने की तैयारी कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये बातें दिल्ली में बीजेपी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कही हैं। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि आप जिस मैडम का नाम ले रहे हैं वो शायद बिहार में राबड़ी देवी की तरह पद संभालने की तैयारी कर रही हैं। बता दें, बीते दिन सुनीता केजरीवाल ने अपना वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो मैसेज में सुनीता केजरीवाल ने एक नया अभियान शुरू करने का आह्वान किया। सुनीता केजरीवाल ने इस अभियान का नाम दिया है केजरीवाल को आशीर्वाद। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने दो व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए लोगों से अपने संदेश जारी करने की अपील की है। सुनीता केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा है कि देश भर के लोग अपना संदेश केजरीवाल को भेज सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने साहस के साथ अपनी बातें रखी। कोर्ट में इतनी हिम्मत के साथ अपनी बातें रखना आसान नहीं। अरविंद केजरीवाल नई आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। सुनीता केजरीवाल ने एक डिजिटल मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि उनके पति ने देश में सबसे भ्रष्ट और तानाशाही ताकत को चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपने आशीर्वाद और प्रार्थना के माध्यम से उनका समर्थन करने को कहा है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने हिरासत में लिया था। गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर उनकी पेशी हुई, जहां कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातें रखी। हालांकि बाद में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत बढ़ा दी।